तो यो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, इस योर गेमर बॉय हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो गाइस, आज हम लोग अपने एसएमपी में हैं और आपको पता है एसएम, आपने मेरे शायद से मेरी स्ट्रीम्स देखी है तो आपको पता होगा भाई, हीरो ब्रेन एसएमपी 2 में कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था। एंड उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से भाई मेरा तो भाई फुल लॉस हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये हमारा एक न्यू एसएमपी बनाते हैं जहाँ पर हम सिर्फ सर्वाइवल में खेलेंगे। तो भाई फुल मेहनत करके पूरा एसएमपी बनाया गया है। बस स्ट्रीम में बस हमने डायमंड की माइनिंग की थी नेदरराइट का, मतलब वो सब कुछ एक चीज़ में लिया था वो भी क्रिएटिव से, बिकॉज यार इतनी मेहनत से अगर कोई माइनिंग करने के बाद अगर वो चीज़ लावा में गिर के वो हो जाए तो भाई कौन माइन करने जाएगा। इसीलिए हमने ये मतलब ऐसा कुछ हमने क्रिएटिव से जितना भी आर्मर था ये सब कुछ हमने ले लिया है। अभी सब कुछ ठीक है, सब खुशहाल ज़िंदगी चल रहा है, कोई वार नहीं कोई। और ये गाइस हमारे एसएमपी का टाउन हॉल, ये देखो। अबे भाई साहब यार, मन नहीं कर रहा फिक्स करने का लेकिन करना पड़ेगा। टूटा तो कुछ नहीं है, देखो भाई इतना है भाई, इतना छोटा डिस्ट्रक्शन भाई, आराम से भाई हम आराम से फिक्स कर लेंगे भाई। माँ तो भाई प्रो बिल्डर उठ के, तो कैसे था मुझे पता है। तो कुछ हेडफोन्स भाई पहले पहन लेता हूँ। हाँ तो आज मैं एक मिनट के लिए क्रिएटिव जाना पड़ेगा बिकॉज इस चीज़ को फिक्स करने के लिए वरना कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये लगाओ, लग जा, मतलब इस चीज़ को फिक्स करने का एक ही ऑप्शन है वो है क्रिएटिव जाना, बिकॉज भाई ये सर्वाइवल में फिक्स नहीं हो सकता। मेरे पास इतने सैंड नहीं है जितने इन लोगों ने दिए भाई। चलो ठीक है सब कुछ, एंड अभी मैं इसको ओके गाइस लेट्स गो भाई। मैंने टाउन हॉल तो फिक्स कर दिया भाई, ये देखो टाउन हॉल मैंने पूरा का पूरा फिक्स कर दिया है। एंड अभी इस पर कुछ भी बाकी नहीं है मतलब फिक्स करना, तो अभी इधर से चलते हैं। तो गाइज ये है हमारा एसएमपी, मैं आपको आईपी तो दिखाई दूंगा लेकिन आप लोग ये नहीं बोलना भाई वाइट लिस्टेड कर दो, ये पब्लिक एसएमपी नहीं है ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये इसका आईपी आप लोग को तो मिल तो जाएगा लेकिन आप इस पर नहीं आ सकते बिकॉज ये सर्वर वाइट लिस्टेड है। तो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा सवाल नहीं करेगा कमेंट्स में कि भाई मुझे वाइट लिस्ट कर दो मुझे सर्वर में आना है, मैं चुनूँगा। और गाइस इस सर्वर में जिन लोगों का आना है कमेंट्स में बताओ, मतलब कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं दोनों का मतलब लोगों का नाम ले पाऊँ। तो हाँ कमेंट्स में सेक्शन में ज़रूर बताना जिन लोगों को एसएमपी में खेलना है, बिकॉज यार अभी मैं बंदे चुन रहा हूँ तो मैं मिथपैट के वीसी से चुन रहा हूँ और मुझे ऐसा एक बंदा चाहिए जो एक सब्सक्राइबर हो, मतलब उसके उसका एक खुद का यूट्यूब चैनल हो, उससे 30 to 50 तक हम गोल रखते हैं। तो 30 to 50 तक जितने भी बंदे हैं हमारे एसएमपी में खेल सकते हैं ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़े ढूंढ रहे हैं, अगर आप कोई है तो गाइस बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं उसको इन्वाइट कर दूंगा। वाइट यूजर नेम भी दे देना जिन लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। अगर इस एसएमपी में खेलना चाहते हो पहले बता रहे हो, ये तो मेरा एसएमपी है प्राइवेट एसएमपी है तो आपको मेरे मतलब से चलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने मतलब धीरे धीरे बंदों को चूज कर रहा। तो गाइस ये है मेरा घर, ये देखो भाई ये हमारा घर, एंड इधर हमारा वार का जितना भी सामान है इनको हम नक के रखा है। ये देखो भाई सबका कॉपी निकाल के रखा है एक दो का। एंड ये हमारा किचन, एंड ये हमारा एक बेडरूम जो आपने देखा। एंड अभी मैं दिखाता हूँ सोनक का घर। तो एसएमपी में सोनक का घर इधर है भाई, यार ये बार बार पानी हो रहा है गाइस रुक जो। हाँ तो गाइस एसएमपी में जो सोनक का घर है वो कुछ इस साइड है, इस साइड मैं दिखाता हूँ रुक जो। एसएमपी में जो सोनक का घर है वो इस साइड है। तो ये देखो ये जो रास्ता जा रहा है ना, तो इधर इस रास्ता जा रहा है ये सोनक के घर से।
मतलब ये सोनक के घर तक जा रहा है। तो ये देखो इधर से हम जाए तो ये है गाइस सोनक का घर। मैंने उसको बोला कि इतना बड़ा घर क्यों बना, तो उसने बोला भाई भाई मेरी मर्जी है यार, तो भाई तू जा ना भाई। तो ठीक है, हमने उसकी बात मान ली। तो गाइस ये है सोनक का घर, एंड इसके घर के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है। मतलब आज SMB को बस हम थोड़ा खेलने वाले हैं वीडियो में, तो देखते भाई। और पहले बता रहा हूँ इसकी ऐसे नॉर्मल वीडियोस आएगी, ये मैंने ऐसे ही रिकॉर्ड किया है ताकि आप लोगों को बता पाओ कि हाँ मैंने इस SMP को, मतलब जो हमारा हीरो SMP2 है, इसको हमने बदल के ये रखा है। तो एक चीज़ समझ लेना ठीक है। तो गाइज ये है सोना का घर, ये देखो ये सोना का घर है। एंड ये देखो गाइज, और टेक्चर कैसा लगा गाइज, ये मैंने फुल तगड़ा वाला टेक्चर पैक यूज़ किया आज बिल्कुल। ये देखो भाई बिल्कुल तगड़ा वाला, बताना मुझे कमेंट सेक्शन पे कैसा है टेक्चर पैक। एंड सोना के घर पे अंदर भाई कुछ नहीं है, ये देखो सोना का ही सामान है। तो इधर से निकल लेते हैं, वरना भाई बोलेगा भाई तू, मैं नहीं हूँ भाई, तू चोरी कर रहा है क्या मेरे घर से। तो मैं चोरी नहीं कर रहा। अब चलो बंद हो जा। हाँ, और गाइज ये है सोनक का एक मतलब सिक्योरिटी के लिए एक घर का बेस लाइन समझ लो, ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी आए तो वो उसके घर के अंदर नहीं जा पाए, उसके घर के अंदर नहीं जा पाए। ताकि ये देखो अगर कोई इधर मॉब स्पॉन हुआ तो वो सीधा लावा में गिर के मर जाए। एंड SMP में अभी बहुत सारा काम बाकी है, मतलब जैसे कि टाउन हॉल तो रेडी है, XP फार्म भी बन चुका है, बहुत सारा मेम्बर्स मतलब बहुत बनाना SMP को बाकी है, और एक बहुत मस्त वाला जेल भी बनाना है। तो और आज की वीडियो में हम SMP को बस खेलने वाले हैं, बस हम खेलने वाले हैं। तो चलो हमारी ये जर्नी शुरू करते हैं इधर से। तो जर्नी तो हमने कब की स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। तो और गाइज मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, आप लोग और जिन लोग कमेंट्स में पूछोगे भाई आपने कब स्ट्रीम की इस चैनल पे, भाई इस चैनल की बात नहीं कर रहा, पहले बोल रहा हूँ नीचे जाओ चैनल्स पे क्लिक करो, रिपुन जॉय लाइव आ जाएगा भाई, उधर मैं लाइव आता हूँ ठीक है, वो है मेरा चैनल। तो जाओ उधर जाओ चेकआउट करो, बस एक 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 ही स्ट्रीम है, बिकॉज जो मेरा स्ट्रीम है। ओ गाइस मुझे लगा भाई, मुझे लिटरली लगा कि मेरा XP फार्म डिलीट हो चुका है, बिकॉज अभी मैं थोड़े टाइम पहले खेल ही नहीं रहता। ये देखो गाइस ये हमारा XP फार्म, एंड ये देखो आ गया मॉब्स आ गया। देखो ये भाई क्रीपर, रुक जाओ गाइस भाई, मैं इसको तीर मारना पड़ेगा, लग जाना भाई क्रीपर। तो गाइस हमको XP मिल गया, एंड अभी इधर से चलो। एंड ये आज हम SMB को थोड़ा देखने वाले हैं, मतलब मैंने तो देख ही लिया फुल। और इधर हमारा जितना भी आलतू फालतू सामान है हमको रख के रखा है। एंड आप लोग सोच रहे हो भाई मेरा स्किन किधर गया, मैंने भाई जब से ये मैंने टेक्चर पैक डाला है भाई मेरा स्किन पता नहीं भाई कहाँ छुमंतर हो गया भाई मेरा स्किन। चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ, अगर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो भाई वीडियो में लगा लेंगे वापस, कोई उसको तो कोई टेंशन नहीं है भाई। भाई भाई एक मिनट एक सेकेंड, मुझे कुछ अलग लग रहा है, मतलब जब मैं SMB में खेल रहा था। ओ भाई ये तो हम दोनों ने तोड़ा ना। चलो एंड ये गाइस हमारा थोड़ी खेती, मतलब ऐसा ही कुछ समझ लो। और मैं और एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो अभी तो नहीं, लेकिन देखो अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, बिकॉज भाई रात हो चुकी है। तो चलो, और ये जो मेरा घर है ना इधर बिल्कुल मॉब्स का वार्ड भाई, मॉब्स स्पॉन नहीं होते भाई, इधर सिर्फ मैं आ सकता हूँ। तो इधर मैं अभी सो जाता हूँ चुपचाप, एंड हमारी ये सुबह करते हैं। एंड आप लोग सोच रहे होगा भाई नीडल पॉल किधर गया, सोनक क्यों नहीं खेल रहा, तो उसका मेन रीज़न ये है कि उसका मेन रीज़न ये है कि भाई वो अभी चला गया था, तो अभी गेम में आ चुका है। देखो ये देखो, तो अभी वो गेम में आ चुका है। तो अभी मैं गाइस आपको पूरा SMP दिखाता हूँ। तो इधर से जो ये एरिया है ना, जो पानी है, ये पानी जो देख रहे हो इधर भी हमको बहुत सारा, मतलब अगर एरिया फ्लैट करने की ज़रूरत पड़ी तो हमको ये जो ये है इसको बंद करना पड़ेगा। तो चलो इसको मैं बोलता हूँ,
आई एम, चलो चलो गाइस, सोनक भी आ चुका है, बहुत मस्त। और एक गाइस ये है हमारा बीकन। और गाइस मुझे बताना इस माइक की क्वालिटी कैसी आती है, ये मेरा पहला वीडियो है इस माइक के साथ, मैंने स्ट्रीम तो करके रखी है, चेक तो किया, बहुत ही तगड़ी वाली क्वालिटी आती है, लेकिन आप लोग बताना मुझे कैसा। और गाइस ये हमारा घोड़े का पार्किंग, तो अभी मैं सोच रहा हूँ ना, ओ भाई वो लाइव है, चलो बहुत मस्त, चलो चलो गाइस वो लाइव है, कोई बात नहीं। और गाइस ये हमारा नेदर पोर्टल, तो अभी मैं ये जो नेदर पोर्टल है, मैं सोच रहा हूँ इसको दूसरी जगह में वो कर दूँ, बिकॉज यार इस जगह में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। देखो भाई, और आपको लग रहा है भाई ये ऐसा ही नेदर पोर्टल नहीं है, मतलब मैं बताता हूँ, रुको, ये ऐसे का ही नेदर पोर्टल नहीं है भाई, ये नेदर पोर्टल को बस पीछे का डिज़ाइन नहीं किया है, बिकॉज भाई अरे पीछे का बंदा कौन देखता है भाई, सामने का ही देखेगा ना। एंड अभी मैं थोड़े पेड़ काटने जा रहा हूँ, बिकॉज भाई मटेरियल्स इकट्ठे करना मेन होता है, जितना भी नेदरराइट का सामान आ जाए जो आ जाए भाई, मटेरियल्स इकट्ठे करना मेन होता है। ये देखो गाइस टेक्चर देखो यार भाई, क्या आ रहा है यार टेक्चर भाई, मैं पहली बार वीडियो में आपको इतना करके दिखा रहा हूँ भाई, पहली बार, बिकॉज मैं कभी ऐसा करता भी नहीं हूँ। और रुक जाओ एक मिनट, तो अभी मैं रिसोर्सेस इकट्ठे करने इसलिए साइलेंट पे आओ, बिकॉज और ऐसा मत समझो कि भाई साइलेंट पे हम कुछ नहीं बनाने वाले भाई, नहीं भाई बहुत बनाना बाकी अभी, एसएमपी तो ये तो भाई एसएमपी में बस दो घर है, अभी तो बहुत सारे मेंबर्स आना बाकी भी है, लेकिन नीरज पॉल का अभी उसका लैपटॉप ख़राब हो चुका है, तो अभी वो मतलब पता नहीं कब पीसी खरीदने वाला है, हाँ खरीदने वाला है, लेकिन जब वो पीसी आ जाएगा तो हाँ तब हम वापस एसएमपी में आ जाएंगे, सब लोग मिलके खेलेंगे। अभी मेरा 26 ओड है, तो और मैं थोड़े इकट्ठे करता हूँ, ताकि भाई यार ये जो रोज़मर्रे का जो काम होता है ना माइनक्राफ्ट में भाई, ये मज़ा आता है, मतलब थोड़ा एक सर्वाइवल वाली लुक आती है, एक सर्वाइवर मतलब कि हमने भाई इतनी मेहनत की, भाई हमने इतनी मेहनत की, मैं रियल लाइफ की बात नहीं कर रहा, रियल लाइफ में तो भाई एडिटिंग में तो कुछ नहीं होता ना, एडिटिंग में तो भाई कुछ ज़्यादा ही मेहनत लगती है, मैं रियल लाइफ की बात नहीं कर रहा, मैं अभी जो चल रहा है, अभी जो मैं गेम खेल रहा हूँ उसकी बात कर रहा भाई, ऐसे पेड़ तोड़ना, रोज़मर्रे के काम करना, ऐसे मतलब वो करना, वीट तोड़ना, मॉब्स को मारना भाई, ये तो भाई मतलब मज़ा आता है कुछ। अभी ना मैं सोच रहा हूँ इधर जो वीट है, इधर की वीट उठा लूँ। और गाइस ये हमने खुद उगाया, मतलब ये विलेजर्स ने उगाया हमारे लिए, ऐसा समझो कि हमारा है, लेकिन मैं इसको नहीं तोड़ रहा, बिकॉज यार भाई ये इनका यार एसएमपी हमने बनाया, तो क्या भाई ज़मीन तो इनकी है ना, तो भाई हम इनके लिए, मैं चीफ के लिए चीज़ छोड़ रहा हूँ, वरना भाई इसका मैं वो खेती तबाह कर देता। तो गाइस अभी मैं क्राफ्टिंग टेबल में चलता हूँ, एंड मैं थोड़े वुड इसीलिए इकट्ठे करने गया भाई, रिसोर्सेज मेन होता है, ठीक है, अभी एसएमपी में बिल्कुल ही कम रिसोर्सेज है। देखो गाइस भाई मैं अपना माइक साफ कर लेता हूँ यार, हाँ तो गाइज अभी हम, मैं ये देखो टेक्चर देखो यार क्या मस्त आ रहा है गाइज, ऐसे मस्त टेक्चर भाई, ये देखो टेक्चर देखो गाइज, तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं और थोड़ा हाई एंड टेक्चर डालूँ, लेकिन यार थोड़ा FPS ड्रॉप होता है ना भाई, उसी लिए मैं नहीं करता यार, वरना अगर FPS ड्रॉप नहीं होता तो भाई ज़रूर मैं ज़रूर लाता, लेकिन यार FPS ड्रॉप होता है तो अभी क्या कर सकते हैं यार। चलो गाइस अभी हमारे पास जितने भी उड़ है वो आ चुके हैं, तो अभी मैं इधर संभाल के इस चेस्ट पे रख देता हूँ, तो ये एक, तो ये हमारा रिसोर्सेस कलेक्ट करने वाला चेस्ट है, एंड इधर हमारा गॉड ऑफ द गॉड सामान पर है, TNT, नेदरराइट का इंगट्स। और गाइस ये है, ये सोनक ने मुझे बर्थडे में गिफ्ट दिया था, तो इसको इसीलिए मैंने इसका नाम भी रख दिया सोनक का गिफ्ट, लेकिन ये मैं यूज़ करूँगा, इसका वक्त आएगा, इससे मैं एक बहुत तगड़ी स्वॉर्ड बनाने वाला हूँ, जिसका नाम भी मैं सोनक का गिफ्ट ही रखूँगा, बिकॉज अगर मैं इसको कॉन्वर्ट कर दूँ स्वॉर्ड में तो कुछ नहीं होगा। मॉब्स हेलो, कोई स्पॉन हो जाओ प्लीज़, नहीं है, चलो
अभी हम रोज़मर्रा के काम करते हैं एसएमपी में। तो एसएमपी में गाइज आज मैंने ये एक्सपी फार्म बनाई, देखो भाई इतना बड़ा एक्सपी फार्म मैंने बनाया। और ये तो घर, ये घर तो भाई बनाने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। सोना का घर बनाने में तो भाई 1 दिन में उसने बना लिया, लेकिन यार ये जो घर है ना भाई, ये कुछ ज़्यादा ही डिज़ाइनिश है एंड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इसीलिए इंटीरियर जो है भाई, इंटीरियर देखो इस घर का भाई, ऐसे झूमर लगाना, लैंटर्न लगाना, डिज़ाइन करना घर को भाई, कोई ऐसा नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसीलिए मैं 2 दिन बोल रहा हूँ, बिकॉज़ यार 2 दिन सही में लगा है। मैं आपको फुल प्रूफ दिखा सकता हूँ, लेकिन यार मेरे पास वो, मतलब मैं सोच रहा था कि इसके एक मस्त वाले वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन यार ये जो मतलब ऐसे चीज़ें होते हैं ना, इनको रिकॉर्ड करना मतलब ओ भाई ऑफ टाइम ऐसे रिकॉर्ड करना यार वो हो जाता, तो इसीलिए हम आपको ऐसे दिखा देते। तो गाइस ये है मेरा घर, मैं बताऊंगा इसको मैंने कैसे बनाया। तो इसको बनाने में मुझे 2 दिन लगे, बिकॉज इसका जो ये है, पहले मैंने ये दीवार बनाई, उसके बाद मैं इसका इंटीरियर डिज़ाइन किया, उसके बाद ये पीछे वाली दीवार बनाई, थोड़ा डिज़ाइन किया घर को, एंड कुछ इस टाइप का ये लुक देता है। और भाई ये मेरे लिए बहुत मस्त है यार, हमारे एसएमबी मेंबर्स को भाई, मतलब मुझे एक सर्वर के ओनर को भाई ऐसा ही तो घर चाहिए ना, तो इसीलिए। और गाइस मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो भाई ये खतरनाक वन स्पॉट का घर कॉपी करके भाई तू बोल रहा है, मैंने बनाया भाई, एक बार अच्छे से नोटिस कर लो डिज़ाइन कौन सा है। मैं तो डिस्क्रिप्शन में तो डाल दूंगा मैंने किसका कॉपी किया है, मतलब हाँ मैं, ये खतरनाक वन स्पॉट का ही घर है, लेकिन उसका डिज़ाइन जो है वो अलग है। ये देखो खतरनाक वन स्पॉट के घर के, तो ऐसा तो खुला तो नहीं होता ना, ये देखो मेरे घर पे ऐसा खुला है, स्विमिंग पूल का ये डिज़ाइन इसीलिए अच्छा लगा यार, थोड़ा मतलब डेकोरेटिव होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए भाई। भाई कितने हमने कासल बनाएंगे, कितने वो करेंगे भाई, कितने टावर ओल्ड थीम के कितने घर बनाएंगे। तो मैंने सोचा भाई एक मॉडर्न टाइप का बहुत मस्त वाला घर बनाए, तो मेरे दिमाग में यही आया, तो इसको मैंने मेरे मन में जो चल रहा था, इसके मेरे मन से मैंने इसको बना डाला। लेकिन पूरा जो डिज़ाइन है वो खतरनाक वन स्पॉट से ही है। तो हैट्स ऑफ टू यू, डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक डाल दूंगा, अगर देखना है तो, मतलब भाई आप लोग तो देखते ही होगे, लेकिन हाँ मैं डाल दूंगा ताकि थोड़ा, हाँ खतरनाक वन स्पॉट भी टाइम मिल जाए कि भाई, ईशान भाई को भी टाइम मिल जाए कि भाई इससे मत वीडियो वाला है भाई, मैं इसका वीडियो देखता हूँ, तो बहुत मस्त होगा। लेकिन पता नहीं ये वक्त कब आएगा कि भाई ईशान भाई मेरी वीडियो देखेंगे, लेकिन हाँ आएगा, बहुत बहुत जल्द आएगा। तो अभी हम रोज़मर्रे के काम करते हैं। तो अभी मैंने थोड़े टाइम पहले एक्सपी फार्म बनाता है एंड उड थोड़े रिसोर्सेस इकट्ठे किए, तो अभी मैं टाउन हॉल को थोड़ा वो मतलब डेकोरेटिव करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरे मन में यार यही आइडिया है, देखो भाई मस्त तो लग रहा है, देखो भाई मस्त तो लग रहा है जी, देखो यार ख़राब क्या लग रहा है यार। इधर एसएमबी मेंबर्स बैठेंगे, इधर मैं बैठ के बोलूँगा भाई आज की एसएमबी की मीटिंग यही पे ख़त्म होती है, चलो सब लोग जा सकते हो अपने अपने घर, तो भाई ऐसे मैं बोलूँगा यार। लेकिन मस्त तो है, लेकिन कुछ कमी है, तो वो कमी को मैं ढूंढ रहा हूँ, तो इसीलिए मैं हीरो मैन एसएमबी की थोड़ी स्ट्रीम्स देख रहा हूँ, ताकि मुझे कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जिससे ये जो टाउन हॉल है और मस्त मस्त से मस्त हो जाए। तो अभी मैं इधर से वीट उठा लेता हूँ, इसीलिए गाइस ये वीट उठा रहा हूँ, बिकॉज यार मुझे चाहिए भाई ये वीट। टेक्चर देखो यार भाई, गाइस आज मैंने इतने खतरनाक वाले टेक्चर पैक डाला है ना भाई, मतलब थोड़े मीडियम है, मतलब मीडियम प्लस हाई बोल सकते हो, लेकिन जो भी हो यार बहुत मस्त लग रहा है भाई, बहुत ही मस्त लग रहा है भाई, इसीलिए मस्त लग रहा है यार, बिकॉज है भाई ये दोनों मस्ती है। ये देखो आपको वुड का टेक्चर पहले कैसा था, पहले मैं टेक्चर पैक दिखाता हूँ, ये देखो भाई पहले अभी वुड का टेक्चर देखो, ये देखो भाई थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है अभी, थोड़ा वीट को देखो यार, अभी थोड़ा रियल बन चुका है, तो इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है। उठाओ इसको, उठाओ इसको, तोड़ो, वाटरमेलन है मेरे पास, तो वाटरमेलन को की खेती इसको ख़राब करो। विलेजर कॉम्प्लेन मत करना चीफ को, अगर तूने कॉम्प्लीट किया तो हम तेरा घर जला डालेंगे, मतलब सोनक और मैं तेरा घर जला डालेंगे, अगर तूने चीफ को कॉम्प्लेन किया तो भाई तेरी वाट लगेगी, वो भी गलत वाली। अभी मैं गाइस
क्राफ्टिंग टेबल से तो ब्रेड इकट्ठे कर ले। तो खाना तो मेरे पास बहुत सारा है, आप लोग सोच रहे हैं भाई कितना खाना है, इतना नेदरराइट का मस्त आर्मर है भाई, क्यों मेहनत करना इतनी। लेकिन नहीं भाई, वो बात के लिए नहीं, उस बात के लिए हम SMP नहीं बने। SMP मतलब एक सर्वाइवल चीज़। लेकिन ये तो भाई, अगर हम मेहनत नहीं करें, अगर हम सभी मतलब ऐसे ही मतलब हमने नेदरराइट का आर्मर बना लिया, वो कर लिया, भाई हो गया, SMP छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा ना। SMP में खेलेंगे, मौज करेंगे, उसके बाद देखेंगे 2-3 साल बाद SMP कैसा रहता है। हाँ, मैं 2-3 साल बाद ज़्यादा बोल दिया, लेकिन हाँ तब तक गाइज SMP रहने वाला है। ये वाला जो SMP है ना भाई, पक्का बोल रहा हूँ, इस पर वार बिना होके रहेगा। अगर वार हुआ भी तो वार अगर गाइज अगर वार हुआ भी तो भाई क्या फ़र्क पड़ता है। बारा ब्रेड है, चलो बहुत मस्त। तो ये 12 ब्रेड एंड सीड्स को मैं इधर रख देता हूँ। चलो इसको हम इधर रख देते, चलो हो गया हमारा काम। एंड अभी मैं सो जाता हूँ। सोना गया क्या गेम पे भाई? सोना, हेलो, सो जा। हेलो भाई, यार पता नहीं यार, तुमने बोला भाई सो जा यार, सो जा भाई। उसको मैं बोलता हूँ स्लीप। और गाइज मैं पहले डबल बेड लगाता था अपने घर पे, लेकिन अभी हम अकेले अगर इस घर पे रहेंगे तो भाई अकेले का ही घर बनाऊंगा ना भाई, वरना मैं किसका घर बनाऊंगा। चलो गाइज अभी सो ले तो भाई, सोनक प्लीज सो जा। अबे कैसा दादागिरी है भाई ये। क्या करूं मैं इसका भाई, पता नहीं ये देख चला गया भाई, मैं क्या करूं इसका। हेलो, गेम क्रैश हो गया यार भाई, क्या आ रहा है यार नोटिफिकेशंस। गाइस मैं बता ना भाई, नोटिफिकेशन को फिक्स करने का कुछ तरीका है तो भाई बताओ मुझे प्लीज। मस्त वाला तरीका बताओ यार भाई, नोटिफिकेशन ने परेशान कर डाला भाई। चलो यह चीज़ तो हमारा फिक्स हो गया भाई, क्या कर रहा है? हेलो, क्या कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है सच से? हेलो हेलो हेलो, पता नहीं गाइस ये क्या कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी हम आप अपने नॉर्मल काम करते हैं। ये तो हमारा ये तो काम हो गया। बार बार यार गेम मोड चेंज कर रहे हैं। भाई ये बार बार गेम मोड चेंज कर रहा है। भाई ये बार बार गेम मोड चेंज कर रहा है गाइस यार। निकल ना भाई, बे यार भाई वीडियो के टाइम पे भाई ये परेशान कर लिया यार। पता नहीं गाइस ये क्या कर रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको जो करने करने दो भाई, अभी हम टाइम से डी करते बिकॉज यार ये सो नहीं रहा। तो अगर ये सो नहीं रहा तो भाई यही तो करना पड़ेगा ना भाई। मेरा पैर फंस गया यार भाई सेटअप पे यार। चलो हाँ, सेटअप में मेरा पैर फंस गया था भाई,
ये तो मेरा मेन सेटअप तो नहीं है, लेकिन जो भी हो। तो गाइस अभी सुबह हो चुके हैं एंड गाइस आप लोगों ने एसएमपी देख लिया होगा, एक विलेज है एंड इधर से हमारी एसएमपी की मेन जो काम है शुरू होता है। एंड गाइस आज की इस स्ट्रीम, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, मुझे बताना कि इस एसएमपी की मुझे वीडियोज़ लाने चाहिए कि मतलब अगर मैं कोई चीज़ बिल्ड करूँ तो क्या मुझे वो स्ट्रीम पे दिखाना चाहिए कि मैं बिल्ड करना चाहिए, मुझे बताना। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो चैनल्स में जाके चेक कर लेना। एंड गाइस आज की इस गेम प्ले वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता आपको नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए गुड बाय।